आता रहूं दरबार साहब रे, मैं पाता रहूं तेरा प्यार साहब रे, मैं पाता रहूं तेरा प्यार साहब रे, आता रहूं दरबार साहब रे। क्योंकि बाबा मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, लेकिन तेरा मिला तुझे क्या दिखाऊं। बाबा तूने बहुत दिया, लेकिन अब मैं तेरे सामने दिखाने लग जाऊं कि तूने मुझे इतना दिया इतना दिया, तो तूने ही दिया, तुझे मैं क्या दिखाऊं। तुझे तो मैं इतना ही बोलूंगा बाबा कि मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली, मेरी जो सारी दौलत है वो मिला के तेरे चरणों की धूल है। मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूल। और मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा वक्त ऊंचा नीचा हो सकता है, दुनिया वाले भी बदल सकते हैं, लेकिन तूने उस पल याद रखा जब सारी दुनिया भूली, तूने उस पल याद रखा जब सारी दुनिया भूली। तो बाबा बस इतना कहना है, करना यूं ही उपकार सावरे, मैं आता रहूं दरबार सावरे। कौन कौन गाएंगे, कौन कौन गाएंगे मेरे साथ, आओ गाते हैं। 1 2 आप लोगों से कि जो खाटू जाते हैं ना आप लोग, किसी ने बोला एक दो बार जाते हैं, किसी ने बोला, किसी ने ये नहीं, चार बार भी नहीं जाते अब साल में, तो थोड़ा सा रेशियो बढ़ाइए, तभी तो आपका भी रेशियो बढ़ेगा। अब देखो 11-12 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 है हाजिरी का दिन, महीने के 30 दिन चाहे वर्कर कैसे भी काम करे, लेकिन जब सैलरी का जब एक दिन जब पहले होता है ना, तो वर्कर बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे बॉस सैलरी देने वाला होता है। तो 11 होती है प्रेजेंटेशन का दिन, जब बाबा के सामने प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है कि बाबा हमने तेरी बहुत अच्छी सेवा की है। और 12 होती है सैलरी डे, जब बाबा भर भर के खजाने देते हैं। तो इन दो दिनों पे खास ध्यान रखा कीजिए, खाटू जरूर पहुंचा कीजिए, कोशिश किया कीजिए, बाकी आगे बाबा सब करा देगा, है ना। कोशिश लेकिन करनी है खाटू जाने की। कौन कौन मेरे से वादा कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि खाटू जा पाए जितना ज्यादा। लेडीज का तो मैं प्रॉब्लम एक बार समझूंगी, क्योंकि वो अपने जो हस्बैंड हैं उनके पीछे हैं, अपनी फैमिली के पीछे हैं, लेकिन हमारे भैया लोग कौन कौन प्रॉमिस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाटू जाने का कोशिश करेंगे और फैमिली को भी लेके जाएंगे, कोई भी नहीं करेंगे ना, जाएंगे कि नहीं खाटू इतना बता दो। अब ये समझ लेना, ये मत समझना कि मेरा कोई भला है इसमें, भला आपका ही है। आता रहूं दरबार साहब रे, आता रहूं दरबार साहब रे, आता
हाथ निभाया, अपने बने पराए सारे तूने साथ निभाया, अपने बने पराए सारे तूने साथ निभाया, अपने बने पराए सारे तूने साथ निभाया, धक्के खाए जग वालों से तूने हाथ फिराया, धक्के खाए जग वालों से तूने हाथ फिराया। और मेरे बाबा तू फिराता रहे हर बार सांवरे, तू फिराता रहे हर बार सांवरे, आता रहूं हर बार सांवरे, मैं आता रहूं हर बार सांवरे। दोनों हाथ की ताली बजा के एक एक प्रेमी गाए, वन टू थ्री। आखिर में सबसे गहरी बात कि बाबा मैं सारी बात ही खत्म करता हूँ इस एक बात के साथ, सारी बात खत्म हो जाएगी इस एक बात के पीछे। क्या? सर से लेके पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, सर से लेके पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, मैं सोच नहीं सकता था उससे दिया है तूने ज्यादा, मैं सोच नहीं सकता था उससे उससे ज्यादा। आज इस फैमिली में कीर्तन क्यों हो रहा है? कीर्तन की जगह और कुछ भी हो सकता था, सिंपल डिनर हो सकता था, कोई पार्टी हो सकती थी, यहाँ पे एक डीजे लग जाता, सब डांस कर लेते, खुश भी हो जाते दो चार घंटे। लेकिन यहाँ पे कीर्तन क्यों हो रहा है? जो श्याम प्रेमी होते हैं ना, वो कुछ भी, जब भी कोई खुशी की बात आती है ना, कोई घर में शादी है कीर्तन कर लो, किसी बच्चे का बर्थडे है कीर्तन कर लो, एनिवर्सरी है कीर्तन कर लो, कीर्तन इतने ज्यादा हो रहे हैं ना, इतने ज्यादा। मैं तो इतने ही जानती हूँ कि जब किसी घर में जब कीर्तन होता है ना, मेरे साथ तो दो चार बार ही ऐसे हुआ है कि अगर कोई कीर्तन हो रहा है तो वो जो बच्चे हैं घर के वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस घर के संस्कार देखते हैं कि कितने प्यारे संस्कार हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं, कि कह रहे हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन बाबा का कीर्तन अगर मुंह से निकला है तो बाबा का कीर्तन होना ही चाहिए। तो मैं तो बात ही खत्म कर दी एक बात के साथ, सिर से लेके पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, कि बाबा तू इतनी मेहरबानी कर दे, इतनी रहमत कर दे कि हम हमको इतनी शक्ति दे दे कि बाबा हमारे घर में कोई भी सुख हो तो हम तुझे ही याद करें। वैसे तो हम तुझे रोज ही याद करते हैं, लेकिन कोई भी सुख हो, ऐसे परिवार सब इकट्ठा बैठा हो, फिर ये कीर्तन का आनंद होता है। और ऐसा आनंद प्रेमियों श्याम बाबा के दरबार में ही मिल सकता है, ऐसा आनंद किसी पार्टी में, किसी डीजे में कहीं भी नहीं मिल सकता। कहते हैं ना कि 10 लाख रुपए खर्चा कर दो, 10 लाख रुपए खर्चा कर दो, लेकिन जहाँ पे परिवार साथ नहीं है ना, वहाँ पे उस 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। और 10 रुपए में अगर परिवार खुश हो जाए ना, तो फिर वो बात होती है, वो होती है बाबा श्याम की कृपा। मैं सोच नहीं सकता था उससे दिया है तूने ज्यादा, श्याम का तू ही संसार सांवरे, श्याम का तू ही संसार सांवरे। और एक बार सब बोलो, मैं आता रहूं दरबार सांवरे, मैं और तू बुलाता रहे हर बार सांवरे, तू हर बार। अरे बाबा मैं आता रहूं दरबार।
आवरे में बाबा मुझे ये तो बता। एक शाम प्रेमी जिसमें बाबा की बहुत कृपा है, वो बाबा से ही सवाल करता है कि बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना, तूने बना दी है औकात, तूने बना दी है औकात, बाबा थाम के मेरा हाथ, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना, बाबा मुझे ये तो बता, इस दुनिया में कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना।